का हलवा बेटा? हाँ हम ठीक बानी। बाबूजी कैसे बड़े? बाबूजी ठीक बड़े। तू अपन टिकट कैंसिल करा लो। अच्छा हम तो दिवाली के बाद छठ खातिर पटना आवे के सोच ले रहनी। शायद हम इस साल छठ ना करे तो हर बाबूजी मना करो तरन। अर्थराइटिस बढ़ गई बा। कौन है? माँ। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं माँ? हम भी ठीक हैं बेटा। पर माँ के करा था छठे बार? अब कहाँ हमने खानदान में क्यों छठ करा था? काहे माँ ये तो लेकिन बहुत राजू चाचा के पतो भी छठ ना करे ले। रुचिका भी काम काज करे वाला लड़की बाड़ी, वो का सोची कि हमार सास पुराना सोच थोप रहल बाड़ी। ओकर तो संस्कृति भी अलग बा बेचारी के। इंग्लिश मीडियम में पढ़े वाला लड़की सब कहाँ छठ करिए सन हो। अच्छा ठीक बा माँ, फिर हम नया साल में घर आए, अभी रखता नहीं, ऑफिस जाए में देर होता। ठीक बा बेटा, खुश रह। ठीक बा, प्रणाम। माँ क्या कह रही थी? इस बार घर में कोई छठ नहीं करेगा। None of my cousins do and it's very sad. I have very fond memories of छठ। We used to go to घाट, सब साथ में रहते थे इकट्ठा होके। माँ कह रही थी इस बार से ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा क्योंकि तो छठ करने वाला कोई नहीं है। But she was saying something about me, na? She does not want to impose her belief on you, so चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। See you. छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।